साथी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुधीर ओझा जी। उन्होंने एक वाद दाखिल किया था जिसके तहत अब बॉलीवुड के 8 लोगों को नोटिस हुई है, नामचीन हस्तियां हैं ये। आखिर सुधीर जी ने ये वाद क्यों दाखिल किया था और किस तरीके से नोटिस दी गई है लोगों को, क्या स्थिति है इस पूरे मामले में, हमसे बात करने के लिए इस विषय पर सीधे जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर ओझा जी। ओझा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। सुधीर जी इस पूरे विषय में विस्तार से बताइए कि आखिर कब वाद दाखिल किया था और किस तरह से नोटिस और किस किस को नोटिस जारी हुई है। देखिए, हमने जब 14 जून को उनकी आत्महत्या की खबर आई तो मैंने 17 जून को माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में एक क्रिमिनल केस आईपीसी की धारा 306, 504, 506, 109, 120 बी के तहत दर्ज कराया था, जिसमें सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला के साथ साथ संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, दिनेश प्रिजान, भूषण कुमार, इन सभी के खिलाफ हमने यह बात दाखिल किया। माननीय सीजीएम ने सुनवाई के बाद क्षेत्राधिकार की बात करते हुए हमारे मुकदमा को खारिज कर दिया था। तब हमने 14/8/2020 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर की अदालत में एक रिवीजन बाद 133/2020 दायर किया और उसमें मैंने सभी को विपक्षी पार्टी बनाया और मैंने माननीय न्यायालय में जब बहस किया तो न्यायालय के द्वारा मेरे रिवीजन को एडमिट की गई। एडमिट करने के बाद एलसीआर की मांग माननीय सीजीएम से किया गया। माननीय सीजीएम साहब के यहाँ जो भी रिकॉर्ड था इससे संबंधित मुकदमा से, सभी रिकॉर्ड माननीय जिला न्यायाधीश के यहाँ पहुंचा और उसके बाद फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हमने प्रेरण किया कि चूंकि एलसीआर आ चुका है हुजूर के आदेश पर और एडमिट केस हो चुका है, इसलिए चूंकि यह रिवीजन बाद है, रिवीजन में उन लोगों की भी बात सुनी जानी चाहिए, उनका पक्ष सुना जाना चाहिए, इसलिए उस सभी को नोटिस निर्गत किया जाए कि स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से वह न्यायालय में हाजिर हो और अपनी बातों को रख सके कि वो कहाँ तक निर्दोष है और क्या है। मैंने आरोप लगाया था कि जो सुशांत सिंह की जो आत्महत्या की बात है वह हत्या हुई है, साजिशन हत्या हुई है, उकसाया गया है, कुछ ऐसा कार्य किया गया है, फिल्म छीन लिया गया, बहुत सारे बातें हुई जिसके कारण उसकी हत्या हुई है और सर्वप्रथम मैंने ही इस मामले को लेकर के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। आज जितने भी हल्ला या जो भी कार्य हो रहा है मेरे मुकदमा होने के बाद हो रहा है। माननीय न्यायालय सुनने के बाद ओरली अपने न्यायालय में उन्होंने पेशकार से कहा कि इसमें नोटिस करो और हमसे कहा कि आप रिक्वेशन दाखिल करो। उसके बाद उन्होंने यह केस को ट्रांसफर कर दिया एडीजे 1 जो मुजफ्फरपुर के न्यायालय है उसमें सुनवाई के लिए। अब जो भी सुनवाई होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को तिथि मुकर्रर की गई है, 7 अक्टूबर को जो तिथि मुकर्रर की गई है उस दिन अब सुनवाई होगी और एडीजे फर्स्ट क्या सुनवाई होगी वहां इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। Yes. सुधीर जी, जैसे कि आपने बताया कि 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और 17 ही तारीख को यानी कि सिर्फ 3 दिन बाद आपने वाद दाखिल कर दिया न्यायालय में कि इस मामले में हत्या का कुछ लगता है और आपने कई लोगों के खिलाफ बाकायदे नाम देकर यह वाद दाखिल किया था। 3 दिन में मुझे लगता है उस समय तक सभी लोग सिर्फ आत्महत्या की ही बात कर रहे थे। 3 दिन में बहुत सारी खबरें जो आई थी वह डिप्रेशन के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, इसी तरीके की खबरें थी। लेकिन 3 दिन में आप इस बात को कैसे समझ पाए कि मामला कुछ और है और इसमें हत्या जैसी चीज है? जी देखिए, हमको इंग्लैंड से, कुवैत से और पूरे देश में हर जगहों से मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे साक्ष भेजे गए और दिखाए गए, बताए गए, फोन किए गए कि इसमें इस तरह की बातें हुई है। इसे आप बहुत सारे आवाज उठाते रहते हैं, आप इसको यहाँ देखें, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इवन उस समय उनके गार्जियन, पिता और बहन भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी उस समय सारे लोगों के द्वारा। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हाई कोर्ट है सभी के एडवोकेट ने भी मुझे फोन किया, आम जनता तो किया ही, इंग्लैंड से, कुवैत से भी फोन आया हमको। उन लोगों ने मुझे साक्ष्य, मुझे कोई साक्ष्य जानकारी नहीं थी, उन लोगों के द्वारा मेरे वार्ड
उसके बाद एक और भी मेरे सामने रखा गया बात साक्ष्य आया कि महेश भट्ट की भी संलिप्तता है, पिया की भी संलिप्तता है, वे कई लोगों का नाम मिला भी उस पिटीशन में, एक अर्थ से पिट सकते हुए महेश भट्ट या चक्रवर्ती कीर्ति सेना और मुकेश भट्ट के नाम जुड़ने का मैंने दिया न्यायालय को, लेकिन न्यायालय ने अभिनंदन को स्वीकार नहीं किया, सीधे रख लिया रिकॉर्ड पर, नाम नहीं जोड़ा, लेकिन मैंने उसके बाद भी तुम्हें सारा साक्ष्य जो है लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया गया, लोगों द्वारा बताया गया है, और उसके बाद यह भी कहा गया कि यह मामला आत्महत्या का नहीं हो सकता है, जो परिस्थितियां दिखाई गई जिस तरह का आत्महत्या की उसमें कोई भी पुलिस हो या कोई शख्स लटकते हुए नहीं देखा, सबको लटका हुआ किसी ने नहीं देखा, सबको बराबर बिछावन पर पड़ा ही देखा गया, गला में जो निशान मेरे पास साक्ष्य आए उसमें जो निशाने थे वह बेल्ट के निशान थे, उसके बकस के निशान थे, बहुत ऐसे सारे साक्ष्य मेरे पास में है जो उन्होंने भेजा है, उससे स्पष्ट लगा कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है, और सुशांत सिंह राजपूत को जहां तक मैं उनके सीरियल के समय से फैन हूं और देखते आ रहा हूं, उनका जो मैं जो स्थिति देखता था वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, मैं शुरू से दावा करता था, आज बहुत सारी बातें क्षण के सामने आ रही है, मेरे दावा के बाद ही सारी बातें आ रही है, जब मेरे केस को खारिज किया गया सीजम कोर्ट में तब उनके पिताजी ने पटना में फैयार किया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्षेत्राधिकार के अंदर में है, सीजीएम साहब ने इसको क्षेत्राधिकार से बाहर माना था, इसीलिए जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक दिन पहले मेरी सुनवाई हुई मिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ और उन्होंने एडमिट किया केस को और एलसीआर की मांग किया, वो माने कि भाई क्षेत्राधिकार से बाहर की जो बात पर खारिज किया गया है वह गलत है, तब तो एडमिट करके एलसीआर की मांग किए। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल से, नोटिस जारी अभी नहीं हुआ, नोटिस जो है अभी जारी नहीं हुआ है, समझे ना, नोटिस जारी करने का आदेश जिला जज ने दिया था अपने पेशकार को और कहा था कि आप रिक्विजिशन दाखिल कीजिए, उसके बाद नोटिस होगा, अभी नोटिस जारी नहीं हुआ है, समझे ना, तो स्थितियां है वह स्थितियां भी यही है और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने आवाज उठाया है वह न्याय मिलेगा, सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा और यह आवाज बुलंदी तक जाएगा। सुधीर जी, जिस तरीके से आपके पास दुनिया भर से लोगों ने तरह तरह के सबूत भेजे, अपनी बातें कही और तमाम हाईकोर्ट के वकीलों ने भी आपसे कहा और आपने फिर इस पूरे मतलब यानी 14 जून को जो ये घटना हुई उसके ठीक 3 दिन बाद आपने इसको कोर्ट में दाखिल कर दिया था कि मामला जो है संदिग्ध है, हत्या का लगता है, इतने दिनों बाद अब बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं, इसमें सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई की टीम कई दिनों से मुंबई में ही है और चीजों को पूछताछ के दौरान तहकीकात करके रिक्रिएट करके और फॉरेंसिक जो सबूत हैं, जो उसकी चीजें जुड़ी हुई हैं, उस पर काम कर रही है, एम्स की टीम बिस्तरा रिपोर्ट पर अपनी मतलब बिस्तरा जांच की रिपोर्ट देने वाली है अपनी, उसको लेकर भी बात चल रही है, अब कहीं ना कहीं वहां से भी मामला इस बात की तरफ एक शक पैदा करता है कि सुशांत सिंह राजपूत का वास्तव में आत्महत्या नहीं थी, वह हत्या थी, ऐसा शक लगभग अब सभी लोग करने लगे हैं, इवन जांच के दौरान भी कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, विस्तार रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही सामने आएगा, इस तरह की भी शंका और चर्चाएं लोग कर रहे हैं। सुधीर जी, आप इस समय पूरे इस मामले को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने 3 दिन बाद ही बहुत ही अंदर की चीज परख ली थी, समझ ली थी, आज किस स्थिति में देख रहे हैं आप इस पूरे केस को? मैं जोर देकर कहता हूं कि सभा सभी का नाम आएगा और लाएगी, यह पूर्ण विश्वास है, और यह मामला हत्या का निकलेगा, यह एकदम ध्रुव सत्य है, जिस तरह से जांच शुरू हुई है, जिस तरह से इसको महाराष्ट्र के पुलिस ने सरकार से मिल करके दबाने का प्रयास किया, किसी तरह बिहार के पुलिस द्वारा कुछ छानबीन जांच की गई, उसके बाद सीबीआई को दिया गया, उस समय भी प्रश्न उठ रहा था कि क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आता, बिहार में महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे मंत्री प्रशासन डीजीपी बात यहाँ 0 FIR दर्ज करके टीवी चैनल पर भारत पर, तो मैंने कहा था उनको कि नहीं, सीआरपीसी की जिन धाराओं की बात की जा रही है 177 उसी में एक केस है जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि साजिश की बात जहां होगी, 120B की बात जहां होगी, कहीं भी केस हो सकता है, कहीं भी FIR हो सकती है, और वही बात अंत में सुप्रीम कोर्ट ने की और मेरी बातों पर मुहर मारी, माना, उसी तरह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हत्या की बात सामने आएगी, स्पष्ट रूप से आएगी, और जितनों का मैंने नाम लिया है
जो अभी तक नाम सामने नहीं आया था, मैंने 3 दिन बाद ही नाम लिया। उसमें महेश भट्ट का रिया चक्रवर्ती का भी नाम जोड़ने का प्रयास किया, और रिया चक्रवर्ती का नाम तो आ गया, परिवार का नाम आ गया, लेकिन अन्य लोगों का नाम नहीं आया है। और इस सभी का नाम आएगा और इस सभी लोग दोषी पाए जाएंगे, समय बताएगा। जिस तरीके से सुधीर जी इस पूरे मामले पे सीबीआई लगातार छानबीन कर रही है और 24 घंटे इस पे काम चल रहा है, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से हालांकि कुछ अभी बताया नहीं गया है, लेकिन जो छन के खबरें बाहर आती हैं उसमें अभी तक बहुत ठोस कुछ सामने नहीं आया है। यह बात जरूर है कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कारोबार अब सामने आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जो सबसे बड़ी चीज निकल के आई वो ड्रग्स का कारोबार निकल के आया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच पर हत्या या क्या है इसको लेके पिछले कई दिनों से बहुत काम नहीं हो पाया, जैसा कि दिखाई दे रहा है। ड्रग्स को लेके बहुत सारी चीजें सामने आ गई, पेडलर कहाँ है, ड्रग्स सप्लायर कहाँ है, कहाँ से चैन जुड़ी हुई है, कौन कौन ड्रग्स लेता है। बॉलीवुड में 2 गुट हो गए, कोई कहता है कि बॉलीवुड के खिलाफ न बोलो, कि बॉलीवुड के लिए थाली पे छेद करने की बातें होने लगी, बहुत सारी चीजें। मैं समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपने इस पूरे मसले को सिर्फ 3 दिन बाद उठा लिया था, किस तरीके से यह मामला अब मुड़ता हुआ दिख रहा है, कैसे? जांच तो चूंकि सीबीआई कर रही है तो निश्चित रूप से करेगी ही, जो केस मुकदमा दर्ज है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा आप तो यह मामला बहुत सारी तरफ बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। आज तक ने कोई चैनल इस तरह की बातें नहीं उठाई जो जनता जान सके, समझ सके जो हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। आपने बहुत अच्छी बातें अभी रखी है और इससे जनता का भी जो भ्रम की स्थिति पैदा जो हो रही है वो दूर हो जाएगी। मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। देखिए, जहां तक आपने बात जो रखी है बहुत सत्य बात रखी है। इसमें हुआ क्या कि जब महाराष्ट्र पुलिस जब जांच शुरू की तो सीबीआई तो बाद में आई है, सीबीआई को ना ही सब देखने का मौका मिला सुशांत सिंह राजपूत का, ना ही किस पोजीशन में था देखने का मौका मिला, किस तरीके से था, कहां कब क्या जांच हुई, क्या हुई, कोई उसको तो बाद में दिया गया है। यह सबसे पहले पुलिस महाराष्ट्र को मिली थी और महाराष्ट्र पुलिस ने अपने स्तर से बहुत हद तक प्रयास किया कि इसको हम आत्महत्या, वो तो सबके दिन ही जिस दिन सब जा रही थी मेडिकल में उसी दिन कह दिया कि आत्महत्या है बिना जांच कराए हुए, तो आप पूरा प्रयास किया कि इसको हम आत्महत्या रूप दे दें। लेकिन दुर्भाग्य से विरोध भी किया कि सीबीआई जांच नहीं हो, विरोध भी किया कि एफआईआर पटना में नहीं हो, वहां यहां चला दे, लेकिन हुआ नहीं। अब देखिए, बहुत अच्छी जो बात आपने कही है, अब मुख्य बिंदु अब एक ही है, फिसरा रिपोर्ट। अब जो स्थिति है वो सब डिपेंड करता है फिसरा रिपोर्ट पर। अब फिसरा रिपोर्ट जो है, क्योंकि जो आया था उसका मेडिकल का रिपोर्ट, उसमें जिस तरीके से उसकी मेडिकल की गई है, जिस तरीके से वहां पर उसका शव का जो अंतर परीक्षण किया गया है, उसमें बहुत सारी बातें आई है, लेकिन वो बातें आने से काम नहीं चलेगा। अब भेसरा रिपोर्ट इसका मुख्य बिंदु है। भेसरा रिपोर्ट में जैसे ही सारे बिंदु जिस पर शंका जाहिर की जा रही है, जैसे चोट का निशान, उसके बाद रिपोर्ट में जो मेडिकल के टीम अभी बैठ करके उसका सारा देख रहा है, अब कंप्लीट डिपेंड हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला कि हत्या है या आत्महत्या है। फिसरा रिपोर्ट पर वो रिपोर्ट जैसे ही आएगा उसके बाद सारी तक सामने आ जाएगी। थोड़ा भी क्लू अगर उसमें मिलता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी हत्या की गई है। अगर थोड़ा भी क्लू उसमें नहीं मिल पाएगा तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी परेशानी आत्महत्या हत्या के मामला में उलझेगी, सीबीआई भी परेशान होगी, क्योंकि सीबीआई भी भगवान नहीं, वो भी हमारे आप जैसे इंसान है और सीबीआई को जो मिला है, जहां से मिला है वहां से उसको करना है, वह अपना एक्सपीरियंस लगा रहा है, वह अपना कार्य जो कर रहा है, लेकिन प्रामाणिकता उसको उस रूप में नहीं मिल पाया। अगर शुरुआत में सीबीआई को हैंड ओवर की जाती, शुरुआत में उनकी अगर मौत की जो शव था उसको अगर सीबीआई देखती, तो बहुत सारा बिंदु पर किस स्थिति में सब था, क्या स्थितियां थी, कैसे पड़ा हुआ था, कैसे रखा हुआ था, क्या था, सब को देख करके नोट करती और उसके घटना स्थल से देख करके सारे बिंदुओं को उठाती। अभी तो
जो आपके चैनल पर या किसी और चैनल पर या किसी के माध्यम से फोटो उसका जो चल रहा है, निकल रहा है, उसी के आधार पर वो आकलन कर रहे हैं और इसी आकलन के हिसाब से अब मामला आगे बढ़ा और चल रहा है। उसमें भी आकलन मैंने जो जिस तरह से किया, जितना जल्दी मैंने केस शुरू कर दिया, उसमें कोई नहीं कर पाया। आज एक है खुशी की भाई, कम से कम बहुत आगे तक बात बढ़ी है। लेकिन देखिए, डिपेंड करता है अंत में, फिर मैं कहूंगा बेसरा रिपोर्ट पर। बेसरा रिपोर्ट में अगर कुछ साक्ष्य आई तो फिर नतीजा में जोर होगा। अगर बेसरा रिपोर्ट में किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं आया तो फिर थोड़ा मामला अटक सकता। जी, अच्छा सुधीर जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और आपकी तरफ जो आपने मुकदमा किया हुआ है उस पर, चूंकि अभी आपने बताया नोटिस जारी नहीं हुआ है जिसमें जो है वो तमाम लोगों को वहां हाजिर होना है स्वयं या वकील के माध्यम से, इन लोगों पर शक, आखिर आपको इन लोगों पर शक और इनके ऊपर मुकदमा करने का जो आधार है वो एक बार जरा जरूर बता दीजिए सबको। जी जी, कहना है कि जितने लोग हमको फोन करते थे या व्हाट्सएप पर जो भी हमको मुहैया साक्ष्य कराया गया, उसमें बहुत सारे 6-7 फिल्म इनसे छीना गया, 6-7 फिल्म इनसे छीना गया। इसकी मेरे पास प्रमाणिकता के तौर पर साक्ष्य भेजा गया है, जो मेरे पास में है, जो मीडिया में चल भी रही है, सब लोगों के पास है। और उसके बाद जिस तरह से प्रेशराइज करने का कार्य किया गया, हालांकि थोड़ा सा हम को जितने बिंदु हमने उठाया है, आज जो दिशा की मौत की बात आई है और दिशा से जो जुड़ा जा रहा है इस मौत को, उस बिंदु पर हमको किसी ने बताया नहीं, उस बिंदु पर हमने कभी सोचा भी नहीं, उस बिंदु पर मैं कभी जाने का प्रयास भी नहीं किया, जो एक थोड़ी सी चूक हुई है। उस बिंदु को पहले अब मुझे पता हो गया होता तो मामला और बहुत आगे बढ़ गई होती। लेकिन जो मामला अब आ रहा वो थोड़ा सा जानकारी के अभाव में कहा जाए, या जानकारी हमको कोई नहीं दिया उसके अभाव में कहा जाए, थोड़ी चूक के तीन लोगों की संलिप्तता जो है, जो कार्यक्रम से होता था, सुशांत को जिस तरीका से वहाँ कार्यक्रम में विजिट किया था, जिस तरीका से फिल्म किया गया, जिस तरीके से उसको डिस्टर्ब किया गया, उससे क्योंकि बहुत तेजी से सुशांत सिंह राजपूत आज पॉपुलर हो गए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देश ही नहीं, विदेश से भी जितनी फोने केस करने के बाद मेरे मुझको आया है, मैं साक्षात प्रमाण हूँ कि इतना मतलब घटना बहुत सारे मुंबई में हुई है और हो रही है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरीका से उसका परफॉर्मेंस और उनके प्रति सहानुभूति लोग आया है, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इतना फॉलोवर उनका था। तो वह जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, आगे तेजी से, उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यह बहुत दूर तक साजिश हुआ है। और आपको एक बात और बता दें, जो रिया चक्रवर्ती की बात आ रही है कि 25 अच्छे ऐसे बड़े बड़े एक्टर का नाम लिया है ड्रग के मामले में ही, लेकिन नाम लिया है, तो उसमें इन लोगों का भी नाम आएगा। मैं आज पहले ही बता दे रहा हूँ, अभी तक नाम खुला नहीं है, न मुझे जानकारी आपको जानकारी है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो आ रहा है मार्केट में मीडिया में कि 25 का नाम उसने लिया है, उसमें सभी का नाम आएगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। सुधीर जी, आपसे बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारी आपने जानकारी दी, और फिर जब इसमें कुछ डेवलपमेंट होगा निश्चित रूप से हम आपसे बात करेंगे। आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर मुझे बुलाने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, प्रणाम।